अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 8.2 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी, इंशाल्लाह 8.3 हमने स्टार्ट करनी थी, लेकिन 8.3, 8.4 एंड 8.5 इनके टॉपिक्स हैं, वो मैं एक साथ इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर कर लूंगा, फिर 8.3, 4, 5 हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक जो है बच्चों वो थोड़ा अलग है। पहले आपने इस चैप्टर का पहला पोर्शन पढ़ा था मैथमेटिकल इंडक्शन का, रीजन हमने पढ़ी थी क्या क्यों पढ़ते हैं आप ये टॉपिक, किस तरीके से आप ये अप्लाई करते हो। अब दूसरी चीज है बाइनोमियल थ्योरम क्यों यूज कर रहे हो आप, क्या जरूरत पड़ रही है, अजीब फालतू में टाइम जाया कर रहे हो, अपना सिलेबस बढ़ा रहे हो, क्या वजह किया बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने की। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम किस तरह अप्लाई होगा, फिर 8.4 8.5 में आपने बाइनोमियल थ्योरम से क्या फायदा उठाया है, क्या मॉडिफिकेशन की है उसके अंदर, सब बातें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए दैट सेट मैं हेडिंग डाल देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम, यही हमने आज की क्लास में पढ़ना है। देखो, सबसे पहली बात, आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी, अलजेब्रा में आपने एक वर्ड सुना होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो आप, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता था कि तीन से ज्यादा टर्म्स, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, इस तरह कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, पांच टर्म मैंने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो अगर आप इनको आप टर्म्स कहते हो जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपने अलग अलग किया उनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, आप अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे एक ही टर्म कंसीडर की जाएगी, लेकिन अगर आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो अभी दो टर्म कंसीडर की जाएंगी। तो अगर कोई भी एक टर्म हो, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब लिखा है, तो उसको आप मोनोमियल कहते हो, मोनोमियल, ठीक है। अगर दो टर्म लिखी हो एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ, उसको आप बोलते हो बाइनोमियल, बाई मतलब दो बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स आपके पास लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 जो भी है, तो उसको आप बोलोगे ट्राइनोमियल, ठीक है। अगर इक्वेशन की फॉर्म में तो आप लिखोगे ट्राइनोमियल इक्वेशन, ठीक है। और अगर तीन से ज्यादा टर्म्स होती हैं, चार हैं, पांच हैं, दस हैं, जितनी भी हैं, तो आप उसके लिए जनरलाइज्ड वर्ड यूज करते हो पॉलिनोमियल। ये आप अभी तक पढ़ चुके हो, तो इसी में से आपने एक चीज पढ़ी थी जिसको आप कहते थे बाइनोमियल, दो टर्म्स आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है उसको आप बाइनोमियल कहते हो। तो ये तो बाइनोमियल के बारे में मैंने पढ़ लिया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बाइनोमियल गिवन है और कुछ भी पावर उसकी लिखी हुई हो, पावर हो, एक्सपोनेंट बोलो या इंडेक्स। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये आप तीन वर्ड काफी पढ़ोगे, पावर आपने सुना होगा, इसी तरह आपने एक्सपोनेंट सुना होगा, इसी तरह एक वर्ड रेयर है लेकिन फिर भी शायद आपने सुना हो, इंडेक्स। ये तीनों आमतौर पर एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं, और वो माना क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ ना 2 का क्यूब, तो ये जो 3 होता है इसको आमतौर पर पावर भी बोला जाता है, एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, इंडेक्स भी बोला जाता है, आमतौर की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बात करो ना, तो ये दोनों चीजें जो है इनको आप सेम कंसीडर करते हो, आप एक्सपोनेंट बोलो या इंडेक्स बोलो, ये एक ही बात है जो ऊपर लिखा है, लेकिन पावर जो है वो थोड़ी डिफरेंट चीज है। नॉर्मली आप तीनों को एक ही जैसा कंसीडर कर लेते हो, लेकिन पावर समथिंग डिफरेंट, ये इनसे अलग है। ये तो कोई शक नहीं है कि इसको आप एक्सपोनेंट बोल सकते हो, इंडेक्स बोल सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप इसको पावर नहीं बोल सकते। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, जनरलाइज तो हम कुछ भी बोल लें, हमें क्या मसला है उसका, लेकिन आप बोल नहीं सकते। तो पावर है क्या चीज, पावर जो है ना ये बेसिकली आप पूरी एक्सप्रेशन को बोलते हो, ये जो पूरी आपके सामने लिखी है ना, इस पूरी चीज को आप पावर बोलते हो। ये आमतौर पर आपने बात सुनी नहीं होगी कभी, लेकिन पावर का जो वर्ड बोला जाता है ना, वो इस पूरी चीज के लिए बोला जाता है। ये जो एक्सप्रेशन है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हो ना, 2 × 2 × 2, ये जो चीज है ना, इसको पावर बोलते हो पूरे कंप्लीट को। तो पावर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है बेस जिसको आपने अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, और एक होती है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब उस नंबर को कितनी दफा आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 का मतलब उस नंबर को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है अपने आप से। तो ये जो चीज है इसको एक्सपोनेंट बोल देते हो या इंडेक्स बोल देते हो, और ये जो चीज है ये बेस होती है, और ओवरऑल अगर आप बात करो तो आप इसको पावर बोलते हो। अगर आप सही बात अगर देखो ना, तो ये वर्ड बोला जाता है। लेकिन नॉर्मली सबसे बड़ी कंफ्यूजन हम जो जुगला बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं ना, और मेरे मुंह से भी आपने हजार दफा सुना होगा, 2 की पावर 4, इंग्लिश में बोलो 2 raised to power 5, कुछ भी इस तरह लिखा हो, तो इससे हमें कंफ्यूजन होती है कि हम समझेंगे जो 5 है ना वो पावर है। तो जनरली अगर आप कंसिडर कर लो, कोई सवाल का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक बात जो है मैंने आप लोगों को बता दी है कि यह पूरा सिचुएशन चल रही होती है। तो करेक्ट जो होता है ना, इसको बोलने का तरीका, करेक्ट बोलने का तरीका ये होता है कि पावर ऑफ 2 की पावर, इस तरह बोल रहे होते हैं। जैसे आपकी बुक में वर्ड यूज हुआ है, ये जो चीज लिखी है ना बाइनोमियल की भी, पावर एन जिसको आप नॉर्मली बोलते हो, तो बुक वाले ने इसको क्या बोला है, इस पूरी एक्सप्रेशन को बोला है पावर ऑफ ए प्लस बी, दैट्स इट, मतलब ए प्लस बी की पावर, इस पूरी चीज को बोला गया,
क्यों? क्योंकि a प्लस बी को आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो पावर है ना बेसिकली पूरी ये एक्सप्रेशन होती है। लेकिन जनरली आप पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स जो है वो एक ही मानों में इस्तेमाल कर रहे हो, तो लेकिन मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को फर्क बता दिया। तो आप दोबारा टॉपिक पे आ जाओ। तो टॉपिक हमारा ये था कि अगर आपके पास बाइनोमियल गिवन है, बाइनोमियल मतलब कोई भी दो टर्म गिवन है, ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, फिलहाल हम एडिशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन पे आ जाएंगे। अगर ऐड हो रही है और उनकी कोई पावर लिखी हो, अब जो मैं वर्ड बोलूंगा ना जो नॉर्मली बच्चे समझते ना उन्हीं फॉर्म में लिखूंगा, वरना एक्चुअल बोलना चाहिए कि ए प्लस बी की अगर कोई एक्सपोनेंट ऊपर गिवन हो, ठीक है, लेकिन बोलने में पावर भी हम बोल देते हैं, आसानी हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर आपके पास लिखा हो ए प्लस बी की पावर वन, अगर आपके पास लिखा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या लिखा हो ए प्लस बी का होल क्यूब, एक और भी डिस्कस कर लेते हैं, या आपके पास लिखा हो ए प्लस बी की पावर फोर। अब यहां पे मसला आपको समझ आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, जब कोई नया टॉपिक पढ़ो तो मसला आपको समझ आना चाहिए। मसला ये है कि अगर मैं बोलूं ए प्लस बी की पावर 10, अभी में से कितने स्टूडेंट आप लोगों में से हैं जिनको ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मुला नहीं आता, और ऐसे मेजोरिटी बच्चे होंगे जिनको ए प्लस बी होल फोर का फॉर्मुला नहीं आता। तो जिस बंदे को ए प्लस बी की पावर फोर का फॉर्मुला नहीं आ रहा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ए प्लस बी की पावर 10 का बता देगा? नहीं। ए प्लस बी की पावर 16 का बताएगा? नहीं। ये मसला आ गया है। तो इसका मतलब हमें कोई एक फॉर्मूला चाहिए, एक पैटर्न चाहिए, एक कोई थ्योरम चाहिए, जो हम कितनी भी बड़ी पावर आ जाए हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर लें, हमें मसला ना हो। तो ये हमें जरूरत महसूस हुई है। तो जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने लगे हो ना, ये मसला था, ये जरूरत थी, तो हमें एक नई चीज पता होनी चाहिए थी। वो नई चीज क्या है? बाइनोमियल थ्योरम, जो आपके इस मसले को हल करेगा। ठीक है, तो मैंने वजह बता दी, पर्पस बता दी बाइनोमियल थ्योरम का। अब जरा इसको थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, तो ये तो बच्चों सिंपल ए प्लस बी होगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। अगर आप इसको लिखो ए प्लस बी होल स्क्वायर को क्या लिखते हुए आ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह। अच्छा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस बी से, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है, पावर एड होंगी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा वो, ये मतलब होता है। इसी तरह ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब ए प्लस बी को आप तीन दफा मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेसिस सेम है, पावर एड करो, तो आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो। जब इनको तीन दफा मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, तो आंसर क्या आएगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसी तरह। जब इसको लिखोगे चार दफा मल्टीप्लाई करोगे इस तरह, तो आपके पास आएगा ए फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी की पावर फोर। अब यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो बात कि यार फोर तो चलो लिख लिया सर ने, पता नहीं किस तरह लिखा है, हालांकि हमें मल्टीप्लाई करके बात पता चलेगा। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये कि ए प्लस बी को चार दफा मल्टीप्लाई करो, फिर रिजल्ट पे पहुंचोगे। इतना लंबा काम, तो हमें जरूरत है किसी और फॉर्मूले की। तो यहां पर रेस्क्यू करने आएगा बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है ए और बी की पावर। ए और बी की पावर मालूम करना मुश्किल बात नहीं है, आपको बस एक पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न क्या है? सबसे पहली टर्म जो होती है उसमें जो यहां पे जो फर्स्ट चीज लिखी हुई है ना उसकी मैक्सिमम पावर कर देगा। यहां पे पहली चीज क्या लिखी हुई है, ए, पहली टर्म में आप ए की मैक्सिमम पावर कर दो, ए क्यूब, ठीक है। इसी तरह यहां पे ए लिखा हुआ है, पहली टर्म में ए की मैक्सिमम पावर मतलब ए की पावर फोर कर दिया आपने, पहली टर्म यही है। इसी तरह ए का स्क्वायर कर दिया, ए की पावर वन कर दी, तो पहली टर्म निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी टर्म कैसे आएगी? दूसरी टर्म में आप क्या करो, ए की पावर एक कम करते जाओ और बी की पावर बढ़ाते जाओ। अभी इन सब पहली टर्म में ना बी की पावर जीरो है, जैसे ए क्यूब लिखा हुआ है ना, मैं ए क्यूब को इस तरह लिख सकता हूं बी की पावर जीरो इसके साथ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ए की पावर कम करने लगना है और बी की पावर बढ़ाने लग जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल ए क्यूब को देखो, अब ए क्यूब की एक पावर कम करो ए स्क्वायर, और बी की पावर यहां पर जीरो थी, बी की एक पावर बढ़ाओ बी की पावर वन होगी यहां पर, फिर मजीद कम करो ये हो जाएगा ए, और बी की एक पावर इंक्रीज करो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर ए की जब मजीद पावर कम करोगे तो ये हो जाएगा जीरो, और बी की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, क्यूब। तो ये जो चीज है ना, ये आपको कोई मसला ही नहीं है, आप इस चीज के लिए कोई मोहताज नहीं हो। आपसे बड़ी सी बड़ी चीज आता है आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए ए प्लस बी की पावर सिक्स, मैं इतनी बड़ी नहीं करना ना, मना मेरा टाइम भी जाया होगा। तो अगर इसमें कोफिशियंट को छोड़ दो, कोफिशियंट फिलहाल छोड़ दो, वैसे ए बी की पावर निकालने के लिए कोई थ्योरम की जरूरत नहीं है, आपको आप आसानी से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले होगा ए सिक्स, अब ए की पावर कम करते जाओ, ए फाइव बी, फिर ए फोर बी स्क्वायर, फिर ए क्यूब बी क्यूब, फिर ए स्क्वायर बी फोर, फिर ए बी फाइव, फिर आखिर में क्या होगा बी सिक्स।
कोफिशिएंट आपको नहीं पता, और वो मसला मेरा अगला मैं आप लोगों को बताने लगा। तो मेन चीज आपने देखी ए बी की पावर, यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम आसानी से कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट बात देखो, मैंने बाद में बताना था, अभी से सीख लो इस बात को कि जितनी पावर होती है ना उससे एक ज्यादा ट्रम आती है। अगर पावर टू है तो देखो तीन ट्रम आ रही है, पावर थ्री तो चार ट्रम आ रही है, पावर फोर तो पांच ट्रम आ रही है, इसी तरह पावर सिक्स थी तो काउंट करना सात ट्रम आ रही है। तो जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा ट्रम आ रही होती है। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है, पेपर में कोई भी आपको बायनोमियल देते हैं उसकी पावर सिक्स हो जाए नाइन हो जाए और बोलते हैं इसके अंदर कितनी ट्रम होगी, तो जो पावर है उसके अंदर वन ऐड करो उतनी नंबर ऑफ ट्रम हो जाएंगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप हर ट्रम में देखो ना ए और बी की पावर को अगर आप ऐड करो तो वो इसके बराबर आएगी। जैसे यहां पे ए की पावर फाइव है, बी की पावर वन है, फाइव प्लस वन सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स, थ्री प्लस थ्री सिक्स, टू प्लस फोर वन प्लस फाइव। आप हर ट्रम की पावर देखो, एक्सपोनेंट निकालो, वो सिक्स के बराबर होगी जो इसकी पावर है। पहले ट्रम से लेके एंड तक आप ले जाओ, सब में अगर आप पावर्स को ऐड करो ना आपस में, तो आपके पास क्या रहा होगा नंबर, जो इसकी पावर है वही आपको यहां पे मिल रही होगी। इसी तरह यहां पे ऐड कर लो, फोर है तो फोर है, थ्री प्लस वन फोर, टू प्लस टू फोर, वन प्लस थ्री फोर। तो हर ट्रम में आप देखो ए और बी की पावर्स को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जो यहाँ पे बायनोमियल की पावर लिखी हुई है। तो दो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो बायनोमियल थ्योरम का एक पार्ट आपने कर लिया है कि यार ए बी की पावर आपको समझ आ गई है, तो ये बायनोमियल की आधी चीज तो आपने समझ ली है। अब जरा कोएफिशिएंट पे आते हैं। अच्छा, अगर मैं जनरलाइज बात करूं, यहीं पे हम जनरलाइज पार्ट डिस्कस करते थोड़ी बहुत, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं ए की पावर एन, तो होगा क्या, होगा ये कि सबसे पहले आपको पता है पहले ट्रम में ए की पावर मैक्सिमम होती है, तो ए की पावर क्या होगी, एन मैक्सिमम पावर होगी। फिर क्या होगा, ए से पावर कम होती जाएगी, बी में पावर बढ़ती जाएगी, तो अब ए क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, जो पहले पावर थी उससे ए कम कर दो। एन माइनस वन का मतलब जो पहले पावर थी ए कम करनी है, और पहले बी की पावर जीरो थी, अब बी की पावर वन कर दिया। फिर क्या होगा, ए की मजीद पावर कम कर दो एन माइनस टू, और बी की बढ़ा दो स्क्वायर। फिर क्या होगा, ए की पावर मजीद कम करो एन माइनस थ्री, बी की पावर क्यूब कर देना। और ये आपने कब तक जाना है, अब देखो सब तो आप डिस्कस नहीं करोगे ना, अब आपको नहीं पता एन यहाँ पे क्या है, अगर एन यहाँ पे टेन होगा तो ग्यारह ट्रम आ रही होंगी। तो हम जनरलाइज बात करते हैं, ये पैटर्न चलता जाएगा, ए की पावर एन माइनस फोर बी फोर, ए की पावर एन माइनस फाइव बी फाइव, पैटर्न चलता जाएगा। आखिरी ट्रम क्या होगी यहाँ पे, आखिरी ट्रम ये होगी कि उसमें ए खत्म हो जाएगा और बी की पावर क्या होगी, एन होगी। आखिरी से एक पहले वाली ट्रम भी मैं लिख देता हूँ, आखिरी से पहले वाली ट्रम में ये होगा कि ए की पावर वन होगी खत्म होते होते होते, सेकंड लास्ट ट्रम में आपको पता है ए की पावर वन होती है, ये सेकंड लास्ट ट्रम है ए की पावर वन, सेकंड लास्ट टर्म ए की पावर वन, सेकंड लास्ट टर्म ए की पावर वन, सेकंड लास्ट टर्म ए की पावर वन। तो सेकंड लास्ट टर्म होती है उसमें ए की पावर क्या होती है, वन होती है, तो सेकंड लास्ट टर्म ए की पावर वन। और बी की पावर क्या होती है, बी की पावर मैक्सिमम से एक कम होती है, जैसे यहां पे मैक्सिमम फोर है ना, तो सेकंड लास्ट में क्या होगी, क्यूब। मैक्सिमम थ्री है, सेकंड लास्ट में क्या होगी, स्क्वायर। मैक्सिमम स्क्वायर है, सेकंड लास्ट में क्या होगी, वन। तो जो मैक्सिमम पावर है ना, जो बायनोमियल की पावर है, उससे एक कम बी की पावर होगी सेकंड लास्ट टर्म में, तो सेकंड लास्ट टर्म में बी की पावर हो जाएगी एन माइनस वन, ठीक है। मैक्सिमम पावर एन है तो इसकी क्या हो जाएगी, एक कम एन माइनस वन, और आखिरी टर्म जो है उसमें क्या हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा और बी की पावर एन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, अच्छा जी, दरमियान में हम एक काम करते हैं, एक जनरल टर्म में निकाल लेते हैं, जो आगे भी आप निकालोगे, लेकिन हम दरमियान में निकाल लेते हैं। ये जो दो टर्म है ना, इसको मैं एंड पे लिखता हूं, दरमियान में काम करते हैं हम, यहां पे जनरल टर्म निकालते हैं, उसके बाद एंड की टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म का मेरा मतलब क्या है, जनरल टर्म का मतलब ये है कि उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी टर्म निकाल सको। फॉर एग्जाम्पल ये पहली टर्म है ना, पहली टर्म में ए की पावर मैक्सिमम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्कस करो, यहां पे मैं ए प्लस बी की पावर सेवन कर दू, ठीक है, और मैं आपको बोलू तीसरी टर्म निकालो, पूरी निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ तीसरी निकालनी है। अब आप कहोगे तीसरी निकालू मैं कैसे, मुझे तो पूरा निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं बता पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलू उसकी पांचवी टर्म निकालो, फिर कंफ्यूज हो गए पांचवी में क्या होगा। तो आपको एक जनरल टर्म चाहिए होगी ना कि भाई पूरी निकालनी नहीं आती, जैसे सीक्वेंस में होता था भाई, एक सीक्वेंस है उसकी आपको दसवीं टर्म निकालनी है, तो क्या आप दसवीं मैनुअल निकालोगे, नहीं, आपने जनरल टर्म फॉर्मुला बना दिया था, उसमें आपने आसानी से दसवीं निकाल ली थी, तो वही जनरल टर्म फॉर्मुला आपको यहां पर चाहिए। तो अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करो ना पैटर्न, यहां पर जनरल टर्म में फॉलो क्या होगा, जनरल टर्म आपकी ये होगी, ये चीज होगी, ठीक है। वेयर आर यहां पर क्या है, आर स्टार्ट होगा जीरो से, ये जो मैंने R लिखा है ना, ये स्टार्ट होगा जीरो से और जीरो से बड़ा होगा, जीरो वन, मतलब इसमें होल नंबर होगा R। पहले टर्म में R जीरो, दूसरे में R वन, तीसरे में R थ्री, चौथी में R
थ्री हो जाएगा, मतलब जीरो वन टू थ्री, ये देखो आर थ्री है इसमें, आर टू है, आर वन है इसमें, आर जीरो है, तो आपने जनरलाइज बात कर दी है, तो इसकी जनरलाइज टर्म क्या होगी, ए एन माइनस आर की पावर आर। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जा रहा है कि यार आप इस वाली सीरीज, इस जो भी बाइनोमियल है, इसकी आप पांचवी टर्म निकालो, तो पांचवी टर्म कैसे आएगी, आपको पता है पांचवी टर्म जनरलाइज टर्म की बात करो, जनरलाइज टर्म है ए एन माइनस आर बी आर, इसमें सबसे पहले एन पुट करो, एन यहां पे क्या है सेवन, एन आपने पुट कर दिया, माइनस आर और बी की पावर आर, ये आपकी जनरलाइज टर्म है। मैं दोबारा सवाल बताता हूं, अगर आपको बोला जाए कि इस वाली बाइनोमियल में आप पांचवी टर्म निकालो, मैं अभी कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट ए बी की पावर से बात कर रहा हूं कि इसकी आप पांचवी टर्म निकालो, अब पांचवी टर्म आप कैसे निकालोगे, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, फिर आर यहां पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर पहली टर्म में देखो, पहली टर्म को आप इस तरह लिख सकते हो ना, ए की पावर एन माइनस जीरो, बी की पावर जीरो, क्योंकि आर की वैल्यू यहां पे जीरो थी, तो पहले टर्म में आर जीरो होता है। दूसरी टर्म में अगर आप देखो ए एन माइनस वन बी की पावर वन, तो दूसरी टर्म में आर क्या है वन, देखो जो यहां पे आ रहा है वही यहां पे आ रहा है, तो मैंने दोनों जगह आर लिख दिया, जनरलाइज बात की है। तीसरी टर्म अगर आपको बोलेंगे तो उसमें आर की पावर मतलब आर टू हो जाएगा, तो तीसरी टर्म में देखो आर क्या आ रहा है टू आ रहा है, चौथी टर्म में आर क्या होगा थ्री, पांचवी टर्म में आर क्या होगा फोर, तो अगर आपने इसकी पांचवी टर्म निकालनी है तो आप आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, पांचवी टर्म में आर की वैल्यू फोर पुट करोगे, तो यहां पे आर की जगह फोर पुट कर दो, ठीक है, तो सॉल्व करोगे जगह ए क्यू बी फोर, इसका मतलब इस वाली बाइनोमियल अच्छा इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन आप कहते हो, ये जो बाइनोमियल है ना इसको आपने एक्सपेंड किया पूरा, तो उसको हम बोलते हैं जो राइट हैंड साइड है ना इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल को एक्सपेंड कर दिया आपने। तो अगर आप देखो आपके पास पांचवी टर्म आ गई है, पांचवी टर्म में ए की पावर क्यूब होगी, बी की पावर फोर होगी, तो कहने का मतलब ये कि जनरल टर्म निकालने का मकसद ये होता है कि आपको कोई भी टर्म निकालने हो आपको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप स्पेसिफिक आपने पैटर्न बस देखना, पैटर्न क्या है इसके अंदर, पैटर्न आपने यहां पे ऑब्जर्व कर लिया कि सबसे पहले एन में से जीरो माइनस हो रहा है, फिर एन में से वन माइनस हो रहा है, एन में से टू माइनस हो रहा है, एन में से थ्री माइनस हो रहा है, तो आपने पैटर्न रख लिया कि यार एन माइनस आर, फिर आर कहां से होगा, आर जीरो से स्टार्ट होगा, फिर आर वन होगा, फिर आर टू होगा, फिर आर थ्री होगा, ठीक है। इसी तरह आपने मैच किया कि देखो आर यहां पे जीरो है ना तो बी की पावर भी जीरो है, आर यहां पे वन बी की पावर भी वन, आर यहां पे टू बी की पावर टू, तो जो आर होगा वही बी की पावर होगी, तो आपने लिख दिया बी की पावर आर, बी की पावर और आर ये सेम ही चल रहे हैं सब टर्म के अंदर, तो आपने जनरल टर्म एक निकाल लिया, और जनरल टर्म से फायदा क्या हो मैंने आपको बता दिया कि आपने पांचवी टर्म निकाली थी तो आपके पास आने से पांचवी टर्म आ गई। यहां तक आपने अभी तक क्या सीखा, ये बाइनोमियल का हाफ हिस्सा मैंने आपको बता दिया कि ए बी आप किस तरह निकालते हो, अगर आप इसमें आखिरी टर्म निकालो आखिरी टर्म क्या हो जाएगी बी की पावर है, और उससे पहले वाली टर्म भी निकालना चाहो मैंने बताया था सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, बहरहाल तो ये पूरा आपके पास सिचुएशन बन जाएगी। अब सवाल है कि कोएफिशिएंट का क्या करें, भाई हमने ए बी तो देख लिया, ए बी की जनरलाइज वर्जन भी देख लिया, सवाल ये है कि कोएफिशिएंट का हम क्या करें, कोएफिशिएंट हम किस तरीके से निकालेंगे, तो अब उसके लिए हम जरा डिस्कस करते हैं, बल्कि मैं ऊपर ही बना देता हूं। अब कोएफिशिएंट के लिए आपने क्या करना है बच्चों, कोएफिशिएंट के लिए आप यहां पे यूज करोगे एक टेक्निक, और वो टेक्निक क्या होगी, अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो ए प्लस बी के अंदर आप देखते हैं, तो मैं इसके सामने लिख देता हूं इसको हटाता हूं, अगर इसमें ऑब्जर्व करो ए दो टर्म है इसके अंदर, दोनों का कोएफिशिएंट क्या है वन वन, तो आप इस तरह लिख दो वन वन, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि एक और चीज ऊपर लिखनी है बाद में, तो वन वन आप लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप ए प्लस बी होल स्क्वायर पे आओ तो यहां पे पहला कोएफिशिएंट वन है, फिर टू है, फिर वन है, तो आप इस तरह लिख सकते हो वन टू वन। मैं इस पैटर्न में क्यों लिख रहा हूं थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगा, फिर वन थ्री थ्री वन, तो आप लिखो वन थ्री थ्री वन, फिर वन फोर सिक्स फोर वन, तो वन फोर सिक्स फोर वन। आप ऑब्जर्व करो कि आपके पास एक ट्राइंगल पैटर्न आ रहा है, और ये मैंने पैटर्न देख के नहीं बनाया, मैं इसके बगैर भी बना सकता हूं, अगर आप मुझे बोलो सर अगला बताएं मैं अगला बता सकता हूं, अगला क्या होगा मैं पैटर्न बताता हूं, शायद अभी आप लोग पकड़ लो, भाई कोने पे तो वन लिखना है आपने, अगर आप पैटर्न देखो जल्दा आ रहा है कि वन 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 वन, ये तो आप करते हुए। अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है कि जो मैं यहां पे इन दोनों के मतलब जो इससे लास्ट वाली रॉ है ना उन दोनों के दरमियान में कोई नंबर लिखता हूं ना, जैसे थ्री जो है आपने वन टू के दरमियान लिखा है, फोर जो है आपने वन थ्री के दरमियान लिखा है, थ्री थ्री के दरमियान सिक्स लिखा है, तो नीचे वाली रॉ में आप दरमियान में लिखते हो जो ऊपर में दो लिखे हुए लेटर जो डिजिट लिखे हुए, तो इसके दरमियान आप क्या लिखोगे, इन दोनों को एड कर दो, वन प्लस फोर क्या होता है फाइव, इसी तरह इसके दरमियान आप क्या लिखोगे, इन दोनों को एड कर दो, फोर प्लस सिक्स टेन, इसी तरह इन दोनों के दरमियान क्या लिखोगे, सिक्स प्लस फोर टेन, इसी तरह फोर प्लस वन फाइव, तो ये पैटर्न तो बड़ा इजी है यार।
और ये एग्जैक्ट यही कोफिशियंट है a प्लस बी के होल पावर 5 के अंदर, एग्जैक्ट यही कोफिशियंट होंगे। तो आपने ट्राइंगल, एक ट्राइंगुलर पैटर्न ये बना किस तरीके से रहे हो कि स्टार्टिंग तो सबकी 111 है, एंडिंग भी सबकी 111 है, दरमियान में आप किस तरह लिख रहे हो कि दरमियान में जो भी आप लेटर लिख रहे हो उसके ऊपर जो दो लेटर है उनको आप एड सॉरी डिजिट्स जो उसके ऊपर दो डिजिट जो है उनको ऐड करते हो और उसके दरमियान लिख देते हो। जैसे 1 को ऐड किया, दरमियान में 2 आ गया, ठीक है, तो स्टार्टिंग में 1, एंडिंग में 1, दरमियान में 2 कैसे आया, इन दोनों को ऐड किया। अच्छा, अब थर्ड ड्रॉ पे आओ, स्टार्टिंग में 1, एंडिंग में 1, अच्छा 1 और 2 के दरमियान क्या होगा, 3, 1+2 3, अच्छा जी 2 और 1 के दरमियान क्या होगा, 2+1 3, पैटर्न आपका बन गया। अब फोर्थ रो पे आ जाओ, 1+3 4, 3+3 6, 3+1 4, और एंड पे आपने मान लेंगे, और आखिरी का तो मैंने आपको बता दिया। तो इसको आप कहते हो पास्कल्स ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल आपको दिया ये पास्कल्स ने बनाया था, पास्कल्स ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां पे आपने एक बात ऑब्जर्व की कि यार बड़ी आसानी से कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, आपको ए प्लस बी की होल पावर 6 का बोला जाए तो क्या होगा, 1 6 15 20 15 6 और 1, बस ऊपर के दोनों इनके दरमियान पे नंबर लिखोगे ना, दोनों को ऐड करो दरमियान में, नंबर लिख दो, दोनों को ऐड करो दरमियान में, दोनों को ऐड करो दरमियान में, और आपके पास कोएफिशिएंट आ जाएंगे सारे। तो कोएफिशिएंट निकालने का तो बड़ा आसान तरीका है। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने एक टर्म यहां पे लिखी नहीं, एक ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हो रहा, वर्टेक्स ऊपर नहीं है, तो वर्टेक्स उस वक्त कंप्लीट होगा जब आप ये भी कंसीडर करोगे, ए प्लस बी की पावर 0, जो बाइनोमियल थ्योरम है ना उसमें पावर 0 हम कंसीडर करते नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब पावर 0 होती है आंसर 1 आता है, तो जो बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़ोगे ना उसमें एन जो है वो नेचुरली होता है, 0 हम कंसीडर करते नहीं है, लेकिन अगर आप 0 कंसीडर करोगे तो होगा क्या, आंसर 1 आ जाएगा, बस किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1 होता है, तो a प्लस बी की पावर बेशक 0 कर दो आंसर 1 आएगा। तो जो a प्लस बी की पावर 0 है ना उसके अंदर a की टर्म है और वो क्या है, 1, और इस तरह आपका ट्राइंगल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो पहली रॉ a प्लस बी 0, दूसरी a प्लस बी की होल पावर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल 4, होल 5, ये 5 लिख दिए, छठी सातवीं आठवीं आप देख सकते हो। अब जरा एक चीज यहां से आप ऑब्जर्व करोगे इस पास्कल ट्राइंगल से, जरा ऑब्जर्वेशन में आपको बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशन वही आपने किए सबसे पहले कि ये तो बात आप पहले भी मैंने बताई, जितनी पावर है उसे ज्यादा टर्म्स आ रही है, कि फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्मूला है ये है a प्लस बी होल क्यूब का, तो पावर 3 है तो आपको देखो 4 टर्म नजर आ रही है, ये तो वैसे भी आपने पढ़ ली। एक और बात आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे, वो बात क्या होगी, वो बात ये होगी कि अगर आप सब रॉ को एड करो तो यहां पर क्या मिल रहा है, आपको जरा एड करके देखते हैं, पहली रॉ को एड करो 1 ही मिलेगा, जहां मैं एड कर देता हूं, ठीक है, पहली रॉ को ऐड करो 1, दूसरी रॉ को ऐड करो 2, तीसरी को ऐड करो 4 हो जाएगा, चौथी को ऐड करो 8 हो जाएगा, पांचवी को ऐड करो 16 हो जाएगा, और छठी को ऐड करो 32 हो जाएगा, 20। अगर आप ऑब्जर्व करो ये कोई स्पेसिफिक नंबर आ रहे हैं यार, ये रैंडम नहीं है, कोई ना कोई ताल्लुक नजर आ रहा है इनके दरमियान, ये जीपी बन रही है, लेकिन जीपी को छोड़ो आप, इसको जनरल फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर्स, ये जो फॉर्मूला पूरा ये फॉर्मूला 2 की पावर n, वेयर n स्टार्ट हो रहा है 0 से, जो यहां पे पावर है, जो यहां पे n है ना, ये बेसिकली जनरल फॉर्म में n लिखा था ना, तो पावर कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो 1 आया ना ये बेसिकली कैसे आया, 2 की पावर 0 1, ये 2 कैसे आया, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो यहां से आप एक बात सीखिए, अगर आपको बोला जाए कि जो कोफिशियंट है, ये जो कोफिशियंट आप निकाल रहे हो इनको बाइनोमियल कोफिशियंट बोले जाते हैं, दो किस्म के कोफिशियंट होते हैं, एक तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये बाइनोमियल लिखा हो तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना फॉर एग्जांपल, तो आपके पास आएगा 4b+4b2, तो आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे जो 4 आ रहे हैं ना ये बाइनोमियल कोफिशियंट नहीं है, बाइनोमियल कोफिशियंट इसलिए नहीं क्योंकि यहां पे 2 आ गया है, बाइनोमियल कोफिशियंट क्या थे वो ये थे 1 2 1, ये बाइनोमियल कोफिशियंट थे, जो बाकी कोफिशिएंट आए हैं ना ये किस वजह से आए, ये 2 की वजह से आ रहे हैं, तो इनको आप बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं बोलोगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट ये होते हैं बिल्कुल जो a प्लस बी जिसमें इनका कोई कांस्टेंट नहीं होता, जस्ट प्योर बाइनोमियल कोफिशिएंट आ रहे होते हैं, इनको आप बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हो, जो पास्कल ट्राइंगल में आपको इस तरह नजर आ रहे होते हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट दी जाती है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनका सम जो है, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा कि किसी भी बाइनोमियल में कोफिशिएंट का सम, नहीं, कोफिशिएंट का सम अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ तब तो आप निकाल सकते हो, अगर यहां पे कोई नंबर लिखा हुआ है ना तो आप कोफिशिएंट का सम नहीं निकाल सकते उस वक्त तक जब आप उसको एक्सपेंड ना करो, मतलब अगर आप एक्सपेंड करोगे तब मैनुअल तो आप ऐड कर सकते हो ना 1 4 5 4, तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन इसको एक्सपेंड किए बगैर
आप इनके कोएफिशिएंट का सम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें से बाइनोमियल नहीं है, इसमें और भी कोएफिशिएंट है, तो आप नहीं निकाल सकते। लेकिन जिसमें सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो उनका सम आप आसानी से निकाल सकते हो। और उसका फॉर्मूला आपने क्या देखा है, यहां पे 2 की पावर है। तो अगर मैं आपको बोलूं यार इस एक्सपेंशन में जो कोएफिशिएंट है सबके, जो भी कोएफिशिएंट आ रहे होंगे उनका जरा सम निकाल दो, बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? 2 की पावर है, यहां पे 2 क्या है, सो n क्या, 7, 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 128। तो इसके जो कोएफिशिएंट होंगे ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है इसका। जो इसके बाद होगा ना वो होगा 1, 6, 15, 20, इसी तरह 15, 6, 1। इसके बाद क्या होगा, 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 35, अगेन 20 प्लस 15, 35, 15 प्लस 6, 21, 6 प्लस 1, 7, और बिल्कुल यहां पे एक बना हुआ होगा। तो अगर आप इन सबको ये a प्लस भी होल पावर 7 के, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे आपके पास आ रहा होगा 2 की पावर 7, मतलब 128 आ रहा होगा। तो यहां पे आपने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला देखा कि अगर आपको सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स करने हो तो किसके बराबर होता है, 2 की पावर n, वेयर n जो बाइनोमियल की पावर है, वो आप पुट कर दो आपके पास बाइनोमियल के सारे कोएफिशिएंट का सम आ जाएगा, आपको आपको मैनुअल ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ऑब्जर्वेशन तो पास्कल ट्रायंगल से हमने ये देख लिया। दूसरा अगर आप देखो तो पास्कल ट्रायंगल काफी एक डिफरेंट इसमें चीजें कवर हो रही होती है। जैसे अगर आप पहली, अगर इस तरह देखो डायगोनल वाइज, तो पहली अगर आप ये देखो ना पूरा, तो ये 1, 1, 1 चल रहा है, एक तो ये आपको पैटर्न नजर आ रहा है। दूसरा अगर आप देखो तो इसमें पूरे नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बड़ी अच्छी रॉ है। जो सब बताने वाली चीजें ना वो ये है, ये जो पूरे है ना 1, 3, 6, 10, 15, 21, इनको आप ट्रायंगुलर नंबर कहते हो। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने समझना है, तो ये है कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल एक वर्टेक्स से तो नहीं बनता, 3 वर्टेक्स तो मिनिमम चाहिए होते हैं। लेकिन अब आइडियल केस डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला है, ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एरिया खत्म हो गया पूरा, उसके अंदर कितने वर्टेक्स है, इसके अंदर एक वर्टेक्स है। वर्टेक्स कह लो या पॉइंट्स कह लो, मैं पैटर्न बताऊंगा बन क्या रहा है। तो एक है तो स्टार्टिंग 1 से हो रही है, अच्छा फिर दूसरा बना, दूसरा किस तरीके से बनाओगे, दूसरा पैटर्न इस तरह कर दो, 2 डॉट नीचे लगा दो। तो अगर आप इस पैटर्न में देखो इसमें 3 डॉट है तो 3 आ गए। फिर आप क्या करो मजीद 3 डॉट लगा दो इस तरह, तो अगर आप इनको सम ऑफ डॉट करो 6 आ रहा होगा। फिर कौन सा कर देता हूं, बाकी आप लोग खेल लेना, अगर इसमें सम करो 10 आ रहा है। तो इनको आप ट्रायंगुलर नंबर कह रहे हो, तो ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है ना इसके अंदर नंबर ऑफ डॉट्स कितने, और ये आगे चलता रहता है 15, 21 ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। और ये इनका फॉर्मूला भी होता है, अगर आप ऑब्जर्व करो ना ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है। कैसे, ये जो ये 3 कैसे आया, शुरू के 2 नेचुरल नंबर को सम करो, 1 और 2 का सम क्या होता है 3। अच्छा ये 6 कैसे आया, शुरू के 3 नेचुरल नंबर को सम किया आपने, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 आ रहा है। अच्छा ये 10 कैसे आ रहा है, शुरू के 4 नेचुरल नंबर को सम किया हुआ है, 4, 3, 2, 1 को सम करो 10 आ रहा है। फिर ये पांचवी टर्म कैसे आ रही है, शुरू के 5 नेचुरल नंबर को सम किया हुआ है, 5, 4, 3, 2, 1 को ऐड करो 15 आ रहा है। तो ऑब्जर्व करो ना ये ट्रायंगुलर नंबर निकालने का फॉर्मूला भी होता है, जो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। अगर आप इसमें 2, फॉर एग्जांपल 1 पुट करोगे तो आंसर 1 आएगा, पहली टर्म आपको मिल जाएगी। ये ट्रायंगुलर नंबर के सम का फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रायंगुलर नंबर की नंबर ऑफ टर्म मालूम करने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ टर्म मतलब कोई भी टर्म अगर आपने मालूम करनी है, अगर आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो देखना आंसर 6 आ रहा होगा, अगर 5 पुट करोगे देखना आंसर 15 आ रहा होगा, 6 पुट करोगे देखना 21 आएगा। तो ये फॉर्मूला भी है जिससे आप ट्रायंगुलर नंबर भी निकाल सकते हो। इसके बाद अगले जो है मेरे ख्याल में वो ट्रेपेजॉइडल नंबर कहते हैं या टेट्राहेड्रल नंबर कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल नंबर कहते हैं शायद, ये जो नंबर है ना 1, 4, 10, 20, और वो 3D में बात चली जाएगी तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन आई गेस टेट्राहेड्रल नंबर कहते हैं। या आप जरा सर्च कर लेना, आपको मैथ इज फन एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है उस पर आपको ये पूरा दिखा देंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन आपने पास्कल ट्रायंगल से देखी, कुछ हमने बेसिक बातें पढ़ ली पास्कल ट्रायंगल से। अच्छा एक और बात भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो बात ये है कि स्टार्टिंग और एंडिंग से कोएफिशिएंट सेम है। फॉर एग्जाम्पल इस रॉ को डिस्कस करते हो, फॉर एग्जाम्पल तो पहला और आखिरी सेम है, दूसरा और सेकंड लास्ट सेम है, और दरमियान में जो बचा इसको छोड़ दो। इसी तरह इसमें ऑब्जर्व करो, पहला और आखिरी सेम है, दूसरा और सेकंड लास्ट सेम है, तीसरा और थर्ड लास्ट सेम है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग से जो सेम डिस्टेंस पे कोएफिशिएंट है वो सेम है। पहली बात स्टार्टिंग एंडिंग का सेम है, अच्छा स्टार्टिंग से 5 का डिस्टेंस और एंडिंग से इसका डिस्टेंस बराबर है ना, तो देखो दोनों बराबर है। इसी तरह स्टार्टिंग से इसका डिस्टेंस, स्टार्टिंग से इसका डिस्टेंस सेम है, दोनों आपस में बराबर है। यही पैटर्न आप इसके अंदर भी देख सकते हो, 1 है 1 है,
6 है 6 है, 15 है 15 है, इसी तरह 1 month 7 7, 21 21, 35 35। तो ये आप एक पैटर्न देख रहे हो अजीब सा कि यार इसमें स्टार्टिंग एंडिंग से इक्वी डिस्टेंस पे जो कोफिशिएंट है वो सब आपस में क्या है, सेम है।